इसको आपको दर्शन कराने वाला हूँ, अंदर लेके जाऊँगा। क्योंकि पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी लिखा हुआ नहीं था, इस बार लिखा हुआ है, तो मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। ये इंटरफेस है पूरी बिल्डिंग का। दोपहर का टाइम है, गर्मी तेज है। ये आप लोगों का अंदर जाने का गेट है भाइयों, ये वाला, उधर से एग्जिट गेट है आगे बना हुआ है। ये आप लोग, उसके बाद अंदर चलते हैं हम लोग। क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या सुविधा है, चलिए अंदर चलते हैं। धूप टाइट है दोस्तों, इधर से निकल रहा था मैं, कुछ काम में फंसा हुआ, इसलिए मेरी वीडियो लेट हो रही है। सोच रहा हूँ इधर से जब निकल ही रहा था तो ये काम कर ही लेता हूँ मैं। चलिए बैक कम डाउन करता हूँ। मेन ऑफिस ये होने वाला है, इसमें डायरेक्टर, एडमिन सर, लेक्चर वगैरह, एडमिन सर ही बैठेंगे इसमें मेरे ख्याल से। ये यहाँ से गेट से आते ही लेफ्ट है, सॉरी राइट है, राइट है। और बाकी ये एरिया कैसा है, एरिया आपका टिप ऑफिस 7 हो गया। उसके बाद जो है एग्जामिनेशन कंट्रोल ऑफिस, एग्जामिनेशन कंट्रोल ऑफिस, तो आपका यहाँ से जो एग्ज़ाम कंट्रोल होगा। उसके बाद जितने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब यहीं रखे जाएंगे। भैया आपका बोर्ड रूम है, ये आपका प्रिंसिपल रूम जस्ट बगल में, उसके बगल में हॉट कैबिन है 7। तो ये आपका टोटल जो आपने मेन ऑफिस देखा जिसमें कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह होगी, ये टोटल उसका ये सेकंड गेट है। और मैं आपको आगे दिखाता हूँ क्या है। इंटरफेस बहुत मस्त है, लिफ्ट की भी सुविधा है, लिफ्ट भी लगी हुई है भाई। गवर्नमेंट कॉलेज है, सर्विस रूम है गवर्नमेंट का, ये अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वर्क चल रहा है काम। ये आपकी लिफ्ट है भैया, गिर ना जाए जैसे लिफ्ट है, गिर ना जाए तो इतना ही काम बहुत है। जैक है नीचे, तो आगे आके डिप ऑफिस 6543 डिप ही है। पेंट्री रूम है ये आपका, इंजीनियर्स के लिए भाइयों। ये आपका स्टेशनरी रिप्रोग्राफी रूम, ये आपका प्लेसमेंट रूम जस्ट बगल में, आपका फर्स्ट एड कॉम सिक रूम, देन सिक्योरिटी रूम इसके बगल में है, तो पंगा लेने से पहले देख लेना। सिक्योरिटी रूम बगल में, एडमिन प्लेसमेंट ऑफिस के बगल में। और हाउसकीपिंग है ये, यार मुझे छोटी लग रही थी बिल्डिंग, पर अंदर से घुसने के बाद तो इसका एरिया काफ़ी बड़ा है। हाउसकीपिंग है आप लोगों का शायद, ये मेन ऑफिस खुला हुआ है। नहीं मेन ऑफिस नहीं है खुला, ये मेन ऑफिस बंद है। बिल्डिंग की खूबसूरती दिखाता हूँ आप लोगों को मैं, कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है। हम लोग प्राइवेट में पढ़े थे, लिफ्ट आपकी चालू है, चालू है क्या, लिफ्ट बंद है। फैसिलिटी मिलने वाली है भाई अपडेट मधेपुरा। ऐसा होता है कि जहाँ पे कॉलेज होता है ना वहीं के बच्चे नहीं पढ़ पाते। स्टेयर्स खुली है तो इस साइड में अगर आओगे, ये जो हैं लैब्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, जितने भी लैब्स हैं। ये एरिया आपका मैं बता देता हूँ कैसे, देन राइट आपको ये लैब एरिया मिलेगा ये वाला। और बाकी आपका जो है
लैब ऊपर तक भी है, क्लासरूम भी है, ठीक है, सेमिनार हॉल भी है। ये जूम करके दिखा देता हूँ मैं, यहाँ से दिखेगा नहीं बट वहीं चलते हैं क्योंकि स्टेयर्स खुली है, सीढ़ी खुली भी है मेरे दोस्तों, तो स्टेयर्स है, लिफ्ट तो बंद है फिलहाल, तो हम लोग तो भैया ऊपर आ गए हैं। अब यहाँ से नज़ारा दिख रहा है, नहीं दिख दिख रहा है, दिख रहा है, काफ़ी अभी टाइम लगेगा, वीडियो पूरी बनाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट आप लोगों को मैं दिखाई देता हूँ। ड्राइंग रूम भी है, लैब, ये आपका कॉमन रूम है, मतलब ये टोटल जो आपका ये लैब एरिया हो गया, मतलब प्रोजेक्ट वगैरह के जो होते हैं ना, ये आपकी वो वाला फ्लोर है, ये लिफ्ट फिर से यहाँ पे है। तो बिल्डिंग कितनी खूबसूरत है, ये ब्लैक वाले शीशे हैं जो ना वाइट पे, भाई साहब दिल निकाल लेते हैं। ये ड्राइंग है बिल्डिंग की, वो एक सी है, जैसे कि आप ये देख लो, ये मतलब एंट्रेंस है, एंट्रेंस से घुसेंगे हम, नीचे का भी सेम ड्रॉ है, लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम, लाइब्रेरी काफ़ी बड़े में है, फैकल्टी लॉज। तो इसके बाद जो है, जैसा मैं आपको लेके चल रहा हूँ इंटरफेस से, हैं मैं नीचे से भी, और मतलब पूरी ये थर्ड फ्लोर है, सॉरी ये सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर का भी सेम इंटरफेस है। ये राइट में जो है आपका, मतलब ये तो हो गया लैब एरिया, ये पूरी मतलब ये सेकंड फ्लोर पूरी बिल्डिंग का लैब एरिया हो गया, और थर्ड फ्लोर पर देखते हैं क्या है, थर्ड फ्लोर पर हमें क्या मिलने वाला है। अभी उस वाले ब्रिज पर चलेंगे, वो स्काई ब्रिज तो दिया हुआ है बीच में, तो थर्ड फ्लोर जो है आप लोगों का क्लासरूम है, क्लास चलेगी भाइयों यहाँ पे, सेमिनार हॉल, क्लासरूम, लैब, क्लासरूम 11, 10 और पूरा ऐसा ही है, देख लीजिए। स्काई ब्रिज की बात कर रहा था मैं, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग को जोड़ने के लिए ये है वो स्काई ब्रिज। सही में दोस्तों मन लगा के पढ़ोगे तो बहुत आगे तक जाओगे। ये आपका ये चीज देख रहे हो, ये यहीं पे बहुत नई नई कहानी लिखी जाएगी। कहानी लिखने से मैं मतलब मेरा ये है कि मैं स्काई ब्रिज से आपको दिखा रहा हूँ, और जो मेरी वीडियो देख रहा है, जो इंजीनियर बनना चाहता है और जो बन चुका है, भाई एक बार ज़रूर देखना और इस ब्रांच की वैल्यू बताना कि इस ब्रांच में पावर क्या है, यहाँ पे बैठने की पावर क्या है। स्टूडेंट्स के लिए है ये, बट जो मेरी बातों को समझ रहा होगा वो अच्छे से जानता होगा कि इस ब्रांच की पावर क्या है, चार ब्रांच जो रखे हैं। तो ठीक है, इतना ही कोड वर्ड रखूँगा मैं। स्काई ब्रिज पे थे हम अभी, पूरा ये स्काई ब्रिज है, मस्त लगता है स्काई ब्रिज, भाई साहब एक नंबर की ड्राइंग निकाली है। ये डीके कंपनी थी, दीपांशु रांची की ये कंपनी है, बिहार रांची, पाकिस्तान वाला रांची नहीं, बिहार रांची। इसमें मेरे अंकल थे इंजीनियर एक जानने वाले, तो फ़िलहाल तो हैंडओवर तो नहीं हुआ अभी, हैंडओवर अगले 6 महीने में लगभग, जैसा मुझे मोटा मोटा पता चला है अभी,
सिक्योरिटी गार्ड से मैंने पूछा था तो 6 महीने में हैंड ओवर कर देंगे। ये तो बंद है, उस साइड मैंने खुला हुआ देखा था। ये चीज़ मिस हो रही थी दोस्तों, तो ये चीज़ मैं दिखा देता हूँ आपको। मैं सोचा नहीं दिखाऊँ पर दिखा देता हूँ कि ऐसा है क्या। ये कुछ लोगों का दिमाग चल चुका होगा, सेकंड फ्लोर पे है ये। कभी मेरी वीडियोस देखना तो याद है। यहाँ से आपको दिखाने वाला हूँ, ये फ्लोर नंबर 2 है। ये इंजीनियर्स का हॉस्टल, ठीक है भाई, ये इंजीनियर्स का हॉस्टल है और इसके जस्ट बगल में, ठीक है, जस्ट एंड साइड, ये आप लोगों का भाई, ये डॉक्टर्स का ब्लॉग है भाई। तो आप लोग जानते ही हो इंजीनियर्स और डॉक्टर्स, आगे मैं क्या कहूँ। जब एक जगह रहते हैं भाई आग लगा देते हैं, अपने अपने फील्ड के माहिर, अपने अपने काम कारनामों के लिए प्रसिद्ध। पहली 2-3 बार तो गाली सुननी पड़ती है, फर्स्ट ईयर तो जान पहचान में निकल जाती है, असली खेल तो भाई साहब सेकंड सेमेस्टर से शुरू होता है। फर्स्ट ईयर तो निकाल देता आदमी, फर्स्ट सेमेस्टर जान पहचान बनाने में, असली खेल होता है सेकेंड ईयर से, थर्ड ईयर से, फोर्थ ईयर में तो भाई फिर रोना धोना चले जाएंगे, रह जाएंगे, गिर जाएंगे, मर जाएंगे, फिर अलग हो जाते हैं सारे। क्योंकि मैं भी, मेरे साथ भी बीता हुआ है ना, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो मैं आपको टॉप फ्लोर पर ले चलता हूँ, क्या फैसिलिटी है। धूप तो बहुत मस्त है यार, इतनी कड़ाके की धूप है ना, ठंड में अगर ये निकल जाती तो मज़ा आ जाता। तो सॉरी वीडियोज़ गाइस, वीडियो लेट हो रही है मेरी, रीज़न में है कुछ, मैं फंसा पड़ा हूँ एक छोटे से काम में। और मेरी लास्ट वीडियो जो थी वो लेडीज़ को मैं हेल्प कर रहा था, वो तो उसके बारे में मैं मतलब काफ़ी एनजीओ वगैरह से बात कर रहा हूँ। तो कुछ आदमी तो बैक कॉल मतलब रिस्पांस देते हैं, कुछ रिस्पांस नहीं देते हैं। तो भैया मैं फ़िलहाल तो यहाँ पे नया हूँ, नए आदमी को कौन पहचानता है। अगर मैं अपने जहाँ का मैं हूँ रहने वाला, वहाँ से तो मैं अच्छे अच्छों की टांग खींच लेता। तो बट तो फाइनली हम बिल्डिंग की छत पे आ गए हैं, टॉप फ्लोर पे। ये आप लोगों का है मेन पॉइंट आने का। तो भैया यहाँ आना मत, अगर खुरापाती तो करना मत बिल्कुल भी। चलो उधर जाने का असल चीज़ जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को वो ये चीज़ है। चलिए दिखाता हूँ मैं, कितने दिन से इसकी तलाश में था कि यहाँ तक कैसे पहुँचा जाए। घड़ी कुछ कह रही है, क्या कह रही है सोच सकते हो। अगर मुझे इसका आंसर किसी ने दे दिया कि यह घड़ी क्या कह रही है, घड़ी का मतलब टाइम 10:10 हो रहा है, ठीक है, इस घड़ी का टाइम 10:10 हो रहा है और इसका रीज़न क्या है 10:10 बनाने का। ये मैंने जो पीछे वॉच दिखाई आपको, ये मतलब मैं बहुत दिनों से आपको दिखाना चाह रहा था, या बड़े बुड्ढे को पता हो तो मुझे बताए, या फिर कोई हमसे सीनियर पर्सन हो या जूनियर पर्सन हो, जिसको पता हो भाई साहब एक बार मुझे 10:10 का मतलब बता देना। क्योंकि मुझे वीडियो में जैसे मैंने डाला था पार्ट 2 पार्ट 1 बना के डाला है, तो हालांकि उसके अरेंजमेंट में लगा हूँ मैं, एनजीओ काफ़ी एनजीओ वगैरह से बात, देखते हैं कितना सपोर्ट करते हैं, या फिर मुझे अपने से मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे देखूँगा वो आप लोग का पतला है, गलती सबसे होती है, तो उनमें से मैं भी एक हूँ। अपनी गलतियों को अनदेखा करते हुए मुझे आगे बढ़ाइए। जय हिंद।